ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी बुरे फंस गए हैं। मोहम्मद साजिद रशीदी ने मंदिर तोड़कर फिर से मस्जिद बनाने की बात कही। रशीदी ने कहा कि राम मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विवादित स्थल पर कभी मंदिर था ही नहीं, वहां बाबरी मस्जिद थी और वही रहेगी। रशीदी के इस बयान से भड़की बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी के प्रवक्ता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने जवाबी ट्वीट किया और कहा कि ये 500 साल पुराना भारत नहीं है, मोदी जी का नया भारत है। योगी जी का CAA प्रदर्शन, पोस्टर, कुर्की, सरकारी वसूली, ये सब याद है ना? वही जिससे बचने के लिए गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े थे। यही भावना रही तो टीवी स्क्रीन से निकलकर कभी भी चौराहों पर सरकारी पोस्टरों में चिपक जाओगे। रशीदी ने कहा था कि इस्लाम कहता है कि एक मस्जिद हमेशा एक मस्जिद होगी, इसे कुछ और बनाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता। हमारा मानना है कि ये एक मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद को मंदिर ध्वस्त करने के बाद नहीं बनाया गया था, मगर अब मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को ध्वस्त किया जा सकता है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विवादित ट्वीट करते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद हमेशा थी और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए बोर्ड ने कहा कि ये फैसला अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक है। बहुसंख्यक तुष्टिकरण के आधार पर भूमि का पुनर्निर्धारण कर दिया गया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसा ही ट्वीट किया। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद और इसके विध्वंस की एक एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाल्लाह। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को विधिवत भूमि पूजन के बाद राम मंदिर की आधारशिला रख चुके हैं। राम मंदिर के शिलान्यास समारोह का शुभ मुहूर्त 32 सेकंड का था। 12:44:08 से लेकर 12:44:40 तक रहा। आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बरसों तक रामलला टेंट के नीचे रहे, अब जल्द ही भव्य मंदिर बनेगा। राम मंदिर भारतीय संस्कृति का आधुनिक प्रतीक भी बनेगा। हमें आपसी प्रेम भाईचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है।